नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। EPS 95 पेंशनर्स आपकी पेंशन और सैलरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारियों की वेतन सीमा बढ़ाई गई है। खुशखबरी, कर्मचारियों का वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ करके 21,000 रुपये किया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है। आइए, इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है और आखिर आपकी ये जो सैलरी लिमिट है बढ़कर 21,000 रुपये हुई है, इसका लाभ किन पेंशन धारकों को मिलेगा और कितना मिलेगा? तो आइए, इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको बताने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी नई अपडेट होगी पेंशन रिलेटेड जो सबसे पहले आपको मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कर्मचारी के वेतन सीमा बढ़ा सकती है, यानी कि अगर किसी EPF कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये तो उसकी जो सैलरी 21,000 रुपये प्रतिमा होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेतन सीमा को बढ़ा करके 21,000 रुपये प्रतिमा करने का प्रस्ताव एक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और समिति ने कहा है कि सरकार विचार विमर्श के बाद की तारीख से वृद्धि दर को भी लागू कर सकती है। ऐसे में अगर EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव को लागू होने के बाद अनुमानित 7.5 मिलियन अतिरिक्त श्रमिकों को योजना से लाभ होगा। फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सालाना करीब 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 20 से अधिक कर्मचारी वाली किसी भी कंपनी को EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 15,000 रुपये से कम आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए EPF योजना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत EPFO कर्मचारियों की पेंशन और बीमा कोष के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में EPFO ने 1.52 मिलियन कर्मचारियों के शुद्ध आधार पर जोड़ा, जो कि दिसंबर 2021 में 1.26 मिलियन की तुलना में 21% अधिक वृद्धि हुई है।